और इस बुला को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। वो एक अवामी शख्सियत है और गरीबों की सारी उम्र उन्होंने खिदमत की और गरीबों के लिए जिए भी गरीबों के लिए और जान भी गरीबों के लिए दी है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा सानिया और हमारे पार्टी के लिए खासकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है जिसको हम जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसमें अभी मैं तो ये समझता हूँ कि एक तो ये टारगेट किलिंग है, दूसरी बात ये कि इसको पहले भी ख़तरा था, दो तीन हमले हुए हैं आलमजेब शीख पे और हम बावजूद इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन को बारहा ये बताते रहें कि इनकी इनके जान को ख़तरा है, लेकिन उस वो हिफाजत उनकी नहीं हुई। और जिस तरीके से ये जिन लोगों ने हमला किया और उन्होंने इस पे वार किया और उसके बाद वो वहाँ से निकले हैं, ये बताते ख़ुद एक सवालिया निशान है। और इसका हम ये समझते हैं कि एक साजिश के तहत ये सारा सब कुछ हुआ है। इसमें हम ये समझते हैं कि एक तो जो भी तफ्तीश हो वो बड़े उस अंदाज से हो कि इस पर किसी का दबाव अगर होगा तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे। हमने तीन दिन का सोग की भी ऐलान की है और साथ ही साथ हम समझते हैं कि एक जुडिशल इंक्वायरी की भी इसमें इंक्वायरी की जाए ताकि हकीकत सामने आए। और साथ ही साथ जो भी अफसरान तफ्तीश के लिए मुकर्रर हो वो ऐसे हो जो उसको ऊपर कोई दबाव ना डाल सके। और अगर कोई हमें ऐसे शवायर सामने नज़र आए तो हम उसकी भरपूर मुजाहमत करेंगे। हम अपने कारकुनों से भी ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो पुरमन रहें और अपने जज्बात पर काबू रखें। और ये इसकी हम मुसलसल जो तफ्तीश है उसकी निगरानी करेंगे ताकि ये उन मुलज़मों को जो असल मुलज़म हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कैफ़र करदा तक पहुँचाया जाए। ये जो है ना ये आप सिक्योरिटी क्लियर था या नहीं था? मैंने आपको बताया कि जब दिन दिहाड़े ऐसे सड़क के ऊपर और वहाँ पर गुंजान इलाके में जब ऐसे वाक़ा हो और उसके बाद लोग भी भाग जाएँ तो ये बताते ख़ुद इससे अंदाज़ा हो सकता है आपको। और चूंकि आजकल हर एक चीज़ को इस दहशतगर्दी के ज़िम्मे में ये डाल लेते हैं, हालांकि ये टारगेट किलिंग है और ये जिन लोगों ने भी किया है वो इसकी का पीछा कर रहे थे और उनको पूरे सूरत हाल के इस लिहाज से वाकफियत थी। तो मैं इस ये समझता हूँ कि इसके तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम मुतमईन नहीं होंगे, हमारी पार्टी इससे मुतमईन नहीं होगी, यहाँ के गरीब इससे मुतमईन नहीं होंगे।